हेलो फ्रेंड, ये देखो देसी गुलाब, ये देसी लाल गुलाब है जो कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखो, ये दो वैरायटी है, एक ये अलग है, दोनों का पौधा अलग अलग है। ये देखो, इसको मैं कलम से लगाई थी। ये देखो नीचे कलम, देख लो नीचे कोई खाद नहीं डला है, कुछ भी नहीं डला है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखो, ये देखो, ये है देसी देसी लाल गुलाब। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है इसमें। ये देखो, एक ये भी है, ये इसकी वैरायटी लग रही है। बंच में फूल आते हैं, देखो उसकी कलियां बंच में आ रही हैं। ये देखो, ये भी बंच में ही आता है, परंतु दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। देसी गुलाब क्या है, कटिंग, बस कटिंग करो और लगाओ, कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखो, छोटे 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 पौधे बन जाएंगे और पूरे ग्रो हो जाएंगे। आप भी लगा सकते हैं, इसमें पिंक कलर आता है और एक वाइट वाइट बेल वाला आता है, उसका भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। वाइट वाले बेल में, बेल वाला गुलाब जो लगाना चाहते हैं उनके लिए है। ये तो देसी है, एक ये मेरे पास हाइब्रिड है। ये देखो पिंक कलर, ये ऊपर आके कली आई है, ये रही इसकी कली, दिख रही आपको, ये हाइब्रिड है। ये उसका पौधा अलग है और ये इसका पौधा अलग है, देसी गुलाब है। कोई केयर नहीं, यदि आपके पास टाइम नहीं है और आपको गुलाब का शौक़ भी है तो आप ये देसी गुलाब लगा सकते हैं और ढेरों फूल इसमें मिलते रहते हैं, जब चाहो तब फूल खिलते रहेंगे हमेशा। बस इसके बीच बीच में कटिंग करनी रहती है और ये फ्लावरिंग करते रहता है। ये देखो, थैंक यू।